अगर इवन हम क्वेटा ग्लैडिएटर की जाने बातें हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर में भी जो बातें हो रही थी, जैसे नसीम भाई ने उस वक्त भी कहा था कि जी बहुत ख्वाजा नाफे हो रहा है, तो आज नहीं चले, सऊद शकील नहीं चले, उनकी बैटिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, बस ठीक है, बड़ा जैसे कहते हैं ना करीब करीब पहुँच के ही मैच जीते हैं। देखिए लो टोटल जब भी होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको चेस करना, और लो टोटल की वजह हमेशा विकेट ही होती है। आज मैच का जो फर्स्ट बॉल था उसने हमें विकेट की टोन बता दी थी कि ये पिच कैसी है। अकील हुसैन का फर्स्ट बॉल न्यू बॉल इतना ज़्यादा ब्रेक हुआ था कि उससे बैटर्स के माइंड में डाउट आया ही होगा। लेकिन अगर ख्वाजा नाफे की हम बात करें तो ख्वाजा नाफे ने अपने फर्स्ट मैच में जो इनिंग्स खेली थी ना वो बहुत मेच्योर इनिंग थी। आपका एक आध दिन बैड डे हो जाता है तो आई थिंक हमें उनको टाइम देना चाहिए और उनको भी अपना आपको प्रूव करना चाहिए कि उन्होंने अपने लिए जो टाइम तो देखिए टाइम तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता ख्वाजा नाफे को कल ही हटा दें। मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त नसीम भाई ने भी बात की थी कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्टार बना देते हैं और शायद प्लेयर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, तो आज यही तो नहीं हो गया उनके साथ। और रुमान रईस ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया होता है ना आपको उसका प्रेशर आ जाता है कि हमने अब उसको पूरा करना है, हमसे अब उम्मीदें हो चुकी है, तो मे बी इस चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर भी आया हो। और सऊद शकील स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं तो आज उनकी भी बैड लक रही ओवरऑल। और रुमान रईस ने बहुत एक्सीलेंट कमबैक किया है, इंजरी भी रही उसके बाद इतने बड़े इवेंट में आके ऑन टॉप बॉलिंग करना, विकेट्स लेना, तो उनकी तरफ से बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन जो है क्वेटा ग्लैडिएटर के रॉयल ओरोसो, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मैं कहूँगा कि मैच जो है यहाँ तक पहुँचा, नॉट आउट भी रहे हैं वो। बिल्कुल, रायलो रसो ने बहुत स्टेबल इनिंग्स खेली हैं, अपने साथ पूरी टीम को लेके चले। इनफैक्ट आज उन्होंने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है, आगा सलमान का बैट स्टक हो गया था उसके बाद उन्होंने अंपायर के साथ डिसाइड करके कि चलें हम उनको देते हैं, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो एक काम एंड कम्पोज इंसान है और इसी तरह वो अपनी टीम को लेके भी चल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। नसीम भाई आप क्या देखते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर बैटिंग नहीं चल पाई उस तरह, सरफराज नहीं चल पाए, हमारे और भी जो वो हैं जिन प्लेयर्स के ऊपर हम तकिया करके बैठे हुए थे ना कि जी ये चलेंगे, ये नहीं चल पाए, क्या कहेंगे आप? देखिए ख्वाजा नाफे पे तो मैं आता हूँ, लेकिन जो अभी हम कप्तान की बात कर रहे थे, रायली रोजो का ये स्टाइल ही नहीं है कि वो रनर बॉल खेलें। वो 30 बॉलों पे 60 रन बनाने वाले प्लेयर हैं, वो 200 से नीचे के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करते। लेकिन आज जो टीम की रिक्वायरमेंट थी वो 89 के स्ट्राइक रेट से खेले। वो बैटर जो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना पसंद करता है वो 89 से खेला। कहने का मकसद है कप्तान के लिए जैसी रिक्वायरमेंट है वो आखिर तक खड़े रहे। उनके साथ आप अगर लाइन देखें, सरफराज, रदरफोर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर आमिर ने नीचे से आके 11 रन किए, बड़े क्रूशल रन थे वो 6 गेंदों पे जो 2 चौकों के साथ वो कर गए। लेकिन वो एक एंड पे खड़े हुए थे और उन्हें पता था कि हमारे पास टारगेट ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बॉल्स बहुत हैं, हमने सिर्फ अपनी विकेट्स बचानी है। रायली रोजो का जो रोल था वो ज़रूर दिखना चाहिए। और ख्वाजा नाफे, मैं आपको पहले भी कह रहा था ये बात कि हम एकदम से आज उन्होंने पहला शॉट जो नसीम शाह को मारा था उसी अंदाज से हिट किया था और देख उधर रहे थे कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो टाइम नहीं हुआ, 2 रन में उन्हें मिल गए थे। उसके बाद वो गेंद ढूंढते रहे थे नसीम शाह की। नसीम शाह ने जो आउटस्विंग बॉलिंग की थी ना उसके बाद ख्वाजा नाफे और नसीम शाह का फर्क पता चला था। ख्वाजा नाफे ने पिछले मैच में मैं उनकी इनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, उन्होंने क्वेटा को एक होप दी है, एक बड़ी उम्मीद दी है कि वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप ख्वाजा नाफे ने जो पिछली इनिंग खेली थी शेरी भाई, वो उस वक्त खेली थी कि जब तकरीबन कश्तियां जल रही थी, उन्हें हिट करना ही था, उन्होंने बॉल को लेके और लेकिन उन्होंने इनिंग बहुत अच्छी कैरी की थी वो कि जिसमें हमारा लेक थी। हमारा खुदा ना खास्ता मकसद ये नहीं होता कि हम कह रहे हैं जी ख्वाजा नाफे फ्लॉप हो चुका है, अब उसको कल से वो नजर ना आए ग्राउंड के अंदर, ऐसी बात नहीं है, अच्छा प्लेयर है। लेकिन ख्वाजा नाफे के लिए मैसेज है कि भाई अभी बहुत टाइम है, सोशल मीडिया की तारीफ है, हमारी तारीफ है, इनको ठीक है सुन के थोड़ा मुस्कुरा दिया करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचे कि जी मैं ही मैं हूँ, क्योंकि उसके रिजल्ट जो है वो फिर इस तरह मैच में नजर आते हैं।